फटाफट मैथ में ये क्वेश्चंस बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। एंड आप सभी लोगों को पता है आप लोगों के पास बहुत कम समय बचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के पास 20 दिन बचे हुए, और इन लास्ट 20 डेज में आप लोगों को मैथ्स के ये क्वेश्चंस को बिल्कुल भी नहीं सॉल्व करना। यार आप लोगों को वो चीजें करनी है जो चीजें अब आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा आती है, उन क्वेश्चंस पर या उन टॉपिक्स पर आप लोगों को ध्यान देना है। तो चलिए बताओ, आज मैं आप लोगों को कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बताने वाली हूं चैप्टर वाइज। तो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी एनसीईआरटी बुक को लेकर आ जाओ, या फिर अपनी रफ कॉपी, या फिर जिस कॉपी में आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हो उस कॉपी और एक पेन को लेकर आ जाओ। जो जो क्वेश्चन बताए जा रहे हो साथ ही साथ वीडियो में आप लोग फटाफट से उसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा, या अगर बुक लेकर आ चुके हो एनसीईआरटी के तो उसमें टिक मार्क करते हुए आप लोग चलिएगा। एंड साथ ही साथ बताओ बटी, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए तो मैं आप लोग को बता देती हूँ, मैंने आप लोगों के लिए सभी चीजें अपलोड कर दी है, चाहे साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो, साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हो। एंड साइंस में आप लोग का अलग अलग होता है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो सभी के अलग अलग भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स अपलोड कर दिए। एसएसटी के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स आप लोग को अपलोड कर दिए कि आप लोग को एसएसटी में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मैथ्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए, तो आप लोग सभी चीजें जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड यस, अगर आप लोग की कोई डिमांड है तो आप लोग मुझे बता सकते हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं आप लोगों की फुलफिल करूंगी। एंड अब इतनी बातें बता ही दी है, तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मैथ्स में ये क्वेश्चंस बिल्कुल भी मत करके जाइएगा, अदरवाइज ये आप लोग का बड़ा ही टाइम वेस्ट कर देगा। सबसे पहले चलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 1, दैट इज आवर रियल नंबर। तो रियल नंबर में आप लोग को एग्जांपल्स में आप लोग टिक करिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ वाला एग्जांपल नहीं करना है। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीटली कट है तो उसके एक भी क्वेश्चंस नहीं लगाना है, जस्ट स्किप। एंड एक्सरसाइज 1.4 को भी आप लोग को स्किप करते हुए चलना है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज आवर पॉलीनोमियल। तो पॉलीनोमियल में से आप लोग को एग्जांपल 6, 7, 8, 9 नहीं करना है। आप लोग एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीटली डिलीटेड है, कंप्लीटली कट है इस बार के सिलेबस में से, तो ये नहीं करना है। देन आती है एक्सरसाइज 2.4। अब दीदी यहां लिखा है ऑप्शनल, ऑप्शनल के मतलब हमारी मर्जी हो तो करे या फिर ना करे, ऐसा ही होता है। तो बजाबाटी नहीं, ऑप्शनल का मतलब ये है कि ये भी तुम्हें नहीं करके जाना है, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना। चलिए चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसमें से क्या नहीं करना है। सो एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18 and 19, okay, got it. Then exercise 3.1 completely cut, exercise 3.2, question number 7th इसमें से नहीं करना है, exercise 3.5 आप लोग का completely cut and exercise 3.6, तो ये आप लोग के optional exercise है बच्चा बाटी, तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करके जाना है, because ये time wasting अभी चीजें है आप लोगों के लिए, ठीक है। बाद में knowledge वगैरह के लिए करना है तो 10th के बाद बहुत सारा time तुम लोग के लिए बचेगा जब तक हमारा result नहीं आता, बट प्लीज अभी के लिए मत करके जाना। चैप्टर नंबर 4th, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो आप लोग को एग्जांपल 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड एक्सरसाइज 4.3 ये आप लोग के कंप्लीटली कट है, तो इसको भी बिल्कुल मत करके जाइएगा। अब बच्चा बाटी तुम्हारे पास बहुत सारे अभी सीबीएसई ने प्रैक्टिस पेपर्स आप लोगों के लिए लॉन्च करे, तो मैं आप लोग को यही एडवाइस देना चाहूंगी कि प्लीज बिल्कुल भी उसको इग्नोर मत करिएगा, उसको पूरा सॉल्व करके देखो, खुद से सॉल्व करके देखो ईमानदारी से, कि अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे लिटरली बोर्ड्स में बैठा होता तब तुमसे सॉल्व होता कि नहीं, वो वाली ईमानदारी से सॉल्व करके देखो, बिना तुम लोग सॉल्यूशन देके उसको सॉल्व करके देखो। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई क्वेश्चन तुम्हें इससे नहीं सॉल्व हो रहा है या आधा सॉल्व होने के बाद, दीदी आप कौन से स्टेप इसमें आएगी, आप कौन से स्टेप आएगी, तो प्लीज यार तुम लोग उन चीजों को प्रोकास्टिनेट मत करो, तुम्हारे पास हाथों हाथ सॉल्यूशन है, तुम लोग क्या करो सबसे पहले उसका सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले तुम लोग क्या कर सकते हो, फिलो एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, उसका लिंक मैंने डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो तुम लोग को बिल्कुल भी भटकने का जरूरत नहीं। अब जब भी तुम लोग को क्वेश्चन में आधा क्वेश्चन सॉल्व करके अटक गए हो या सॉल्यूशन देखने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है, तो प्रोकास्टिनेट नहीं करना है, इतना समय नहीं है अब हमारे पास कि हम एग्जाम के गैप्स के बीच में आप पढ़ेंगे, ठीक है, अभी से पढ़कर रखो सब चीज, हमें से उस टाइम पर रिवीजन करना है, तब तुमसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा था दीदी आप क्या करें, चाहे रात के 12 बज रहे हो सुबह के 6 बज रहे हो, नो मैटर, फिलो एप्लीकेशन तुम्हारे यहां हेल्प कर रहा होगा। कैसे, तो आप लोग को जिस क्वेश्चन में आप लोग अटके हो या प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग को उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है, बस उसको क्रॉप करके आप लोग को फिलो एप्लीकेशन पे भेज देना है। फिलो एप्लीकेशन पर 60 सेकंड्स के अंदर अंदर इंडिया के बेस्ट ट्यूटर तुमसे कनेक्ट हो रहे होंगे 1-to-1 इंटरेक्शन के थ्रू, एंड साथ ही साथ वीडियो कॉल के थ्रू तुम लोग को सभी चीजें एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से तुम लोग को पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या तुमने गलती करी है कि जिसकी वजह से तुम्हें आगे का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है। एंड साथ ही साथ यहाँ इतने टिपिकल टीचर्स नहीं है कि तुम एक से दूसरी बार पूछोगे तो वो तुम्हें नहीं समझाएंगे, बहुत प्यारे तरीके से तुम्हें एक्सप्लेन कर रहे होंगे, अगर तुम्हें कोई स्टेप नहीं समझ में आ रही है तो तुम उनसे सेकेंड टाइम भी पूछ सकते हो या थर्ड टाइम भी
पूछ सकते हो। इस तरीके से तुम लोग को अपनी चीजों को ऑन टाइम क्लियर करना है। और यार इस समय जब तुम लोग को बहुत ज्यादा सेल्फ स्टडी की जरूरत है तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, इंस्टाग्राम स्नैपचैट ऐसी एप्लीकेशंस को डिलीट मारो, तीनों जैसे अच्छी एप्लीकेशंस को आप लोग रख सकते हैं। साथ ही साथ चैप्टर नंबर 5 की बात करूं तो एपी, अब एपी में से आप लोगों का कुछ भी डिलीटेड नहीं है, पूरा चैप्टर आप लोगों को पढ़कर जाना है। चैप्टर नंबर 6 की बात करूं दैट इज ट्राइंगल्स, तो उसमें से आप लोगों के कुछ थ्योरम्स रिलेटेड है, तो 6.6, 6.7, 6.8, 6.9। एग्जांपल्स की बात करूं तो 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। एक्सरसाइज 6.4 तो आप लोगों का कंप्लीटली कट है, 6.5 भी कंप्लीटली कट है एंड 6.6 ये ऑप्शनल है, मतलब ये भी कंप्लीटली आप लोगों के कट है। देन आता है चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो एग्जांपल्स इसमें से 11, 12, 13, 14 एंड 15, तो ये आप लोग को नहीं करके जाना है। देन एक्सरसाइज 7.3 एंड 7.4 दोनों बिल्कुल भी नहीं करके जाना है। देन आता है चैप्टर नंबर 8 दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसमें से क्या नहीं करके जाना है। तो एग्जांपल्स की बात करें तो 9, 10 और 11th एग्जांपल आप लोग को नहीं करना है। अब अगर एक्सरसाइज की बात करो तो 8.3 और 8.4 में से आप लोगों को क्या होता है, 8.3 कंप्लीटली नहीं करके जाना है, ठीक है। 8.4 में से सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग छोड़ सकते हैं। अगर चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें से आप लोगों को एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 16 तो आप लोगों को नहीं करके जाना। देन चैप्टर 10 दैट इज सर्कल, तो इसमें से भी कुछ भी डिलीटेड नहीं है, आप लोग को सभी चीजें बिल्कुल पढ़कर जानी। चैप्टर 11 की बात करते हैं दैट इज कंस्ट्रक्शन, तो ऑल डिलीटेड, सभी चीजें डिलीटेड है। चैप्टर 12 दैट इज एरिया रिलेटेड, तो सर्कल की बात करें तो इसमें एग्जांपल्स आप लोग के पास कौन कौन से, 1, 4, 5 और 6, ये चार एग्जांपल्स आप लोग को नहीं करके जाने। देन आप लोग की एक्सरसाइज 12.1 में से कंप्लीटली कट है, 12.3 भी आप लोग को कंप्लीटली कट है, तो बिल्कुल भी नहीं करके जाना। देन आता है चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो इसमें से क्या हाल चाल है इसके देख लेते हैं। सो यार एग्जांपल्स की बात करें तो 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14 नहीं करना है। एक्सरसाइज 13.3 कंप्लीटली कट, 13.4 कंप्लीटली कट, 13.5 ऑप्शन दैट मींस कंप्लीटली आप लोग के कट है। और नेक्स्ट चैप्टर आप लोग का आता है स्टैटिस्टिक्स, तो इसमें से आप लोग को एक्सरसाइज 14.4 कंप्लीटली कट है। देन चैप्टर नंबर 15 दैट इज आवर लास्ट चैप्टर, और इसमें से आप लोग को सिर्फ और सिर्फ पता है बटी लास्ट चैप्टर पर जो कि आप लोग का प्रोबेबिलिटी, और इसमें से आप लोग का एक्सरसाइज 15.2 में से ऑप्शनल है, दैट मींस कंप्लीटली कट है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो बताओ ये कुछ क्वेश्चंस थे जो तुम लोग को बिल्कुल भी नहीं करने हैं। आप क्या करना है ये तुम लोग के मन में सवाल आ रहा है ना, तो मैंने एक आप लोग के लिए मैथ्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो डाली है, तो उसको मैं एंड स्क्रीन पर लगा दे रही हूँ, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो जाके देख लेना आप लोग। एंड सभी टाइप के सभी सब्जेक्ट्स के आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ मिलते रहेंगे। एंड कल आने वाली है तुम लोग के लिए लास्ट 15 डेज का प्लेज, जिसमें हम लोग कंप्लीट खत्म कर रहे होंगे क्लास 10th का सिलेबस, चाहे SSC हो, साइंस हो, आप लोग का मैथ्स हो, इंग्लिश हो या हिंदी हो, टोटल खत्म करेंगे 15 दिनों के अंदर। सो आर यू रेडी गाइस, अब तैयार है 15 डेज के अंदर अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि दीदी यस आई एम इन दिस प्लेज, बाय बाय, टेक केयर।